आज हम करेंगे क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फोर्स। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त और फोर्स का मतलब होता है दुश्मन। तो हम ये समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स होते हैं या दुश्मन। देखिए, सबसे पहले आपको एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी में दिया है कि एक पेपर प्लेट लो और उस पर कुछ फूड आइटम्स रखो, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज स्लाइस, ऑरेंज स्लाइस का पील यानी उसका छिलका, ब्रेड का स्लाइस और कुछ पीस ऑफ बनाना। अब उन सब पर कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर को स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो। इसके बाद इन फूड आइटम्स को एक जिप लॉक बैग लेकर उसके अंदर फिल करके रख दो। तो इसको एक हफ्ते छोड़ने के बाद क्या होगा? जब आप एक हफ्ता इस तरह उनको वाटर डाल के वेजिटेबल्स को, ब्रेड को छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली बात है वो कंटामिनेट हो जाएंगे, उनके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे, उनके ऊपर फंगस यानी कि वाइट कलर की जो फंगस दिखाई दे रही है ऐसी फंगस दिखाई देने लगेगी और उसमें से बहुत ही रॉटन सा ऑर्डर आने लगेगा, मतलब गंदी सी स्मेल आने लगेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ना कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं और सिर्फ कंजम्पशन के फिट लायक नहीं रहने देते। अगर हम उसे कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें या फिर बंद करके एकदम किसी टाइट प्लेस पर रख दें, तो ये है क्या? अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स की स्टडी करने को क्या नाम दिया गया? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, कि इन स्मॉल सूक्ष्म जीवों की स्टडी करना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं, सॉइल के अंदर, ओशन के फ्लोर पर, एटमॉस्फेयर में, रॉक्स के अंदर और अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी होते हैं। जो डच साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, उनका नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। वो एक बिजनेसमैन थे और वो अपने फैब्रिक की शॉप ओपन करना चाहते थे। तो उनकी उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कैसे की? वो जब अपनी शॉप ओपन करना चाहते थे तो वो जो थ्रेड्स की क्वालिटी है जिनसे फैब्रिक बनता है उनको स्टडी करना चाहते थे। और एक थ्रेड को बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए उन्होंने अपना लेंस बनाया था और एक माइक्रोस्कोप बनाया था इसलिए इसको अच्छे से और अच्छे से स्टडी करने के लिए। और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया तब उनकी नज़र पड़ी एक माइक्रोब पर पहली बार, और उनका वर्क जो था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में छपा भी गया जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जब इनके बारे में पता लगाया था। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे कि हमें पता कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम अपनी ऐसी आँखों से बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते। सबसे पहले हम कुछ सॉइल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको वाटर में बीकर में डालेंगे, बीकर में वाटर डाल के उसमें मिक्स करेंगे कि और उसके बाद जब सॉइल सेटल डाउन हो जाएगी, सॉइल वाटर में मिक्सेबल तो नहीं होती, इससे सॉइल सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर ऊपर रह जाएगा, तो हम वाटर के एक ड्रॉप को लेकर एक स्लाइड के ऊपर रखकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। जब हम लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रखेंगे और देखेंगे तो हमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे माइक्रोब्स नज़र आएंगे, जो इस बात से कंफर्म करते हैं कि हर जगह माइक्रोब्स होते हैं और बिना माइक्रोस्कोप के हमें नज़र नहीं आते। नेक्स्ट है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली 4 टाइप के होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। फंगी जो होते हैं यूजली वो हमने देखा होगा जब हमारी ब्रेड मोल्ड होती है उसके ऊपर डेवलप हो जाते हैं अगर हम ब्रेड को थोड़े दिन छोड़ दें। तो इसके मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं यीस्ट, रस्ट, मिल्ड्यू, मॉल्ड्स एंड मशरूम। यीस्ट यूज़ होता है हमारा ब्रेड बनाने में, केक बनाने में हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। रस्ट होती है जंग, जब लोहा सड़ जाता है या मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर तब जो माइक्रोब्स डेवलप होते हैं वो रस्ट होते हैं, यानी फंगी के टाइप होते हैं। मिल्ड्यूज होते हैं, मोल्ड्स होते हैं। मोल्ड्स हमने ब्रेड जब दिखते हैं उसके ऊपर दिखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर आ गई, वही मोल्ड्स होते हैं। उसके अलावा मशरूम वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं यानी माइक्रोब्स हैं जिन्हें हम खा भी सकते हैं, जिनको हम ईट करते हैं। और मशरूम
जो होते हैं हम मानसून में बहुत आराम से देख सकते हैं। मानसून के मौसम में मशरूम हमें बहुत ईजीली दिखाई जाते हैं। और फंगी जो है उन्हें ग्रो करने के लिए हमेशा डार्क और मॉइस्ट प्लेस चाहिए होता है। और उसके अलावा ये डेजर्ट और कोल्ड रीजन्स में भी पाई जाती है। देखिए ये नीचे मशरूम्स है, ये पेनिसिलियम है और ये है राइजोपस प्लिडमोडम। डू यू नो मशरूम्स आर मोर सिमिलर टू एनिमल्स दैट दे आर टू प्लांट। तो मशरूम है उनका जो गुण है वो एनिमल से ज़्यादा सिमिलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। पैरासाइटिक लाइक एनिमल्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो मशरूम तो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पर फेवर रहते हैं अपने फूड के लिए क्योंकि वो फंगाई होते हैं, इसीलिए उनको पैरासाइटिक लाइक एनिमल्स कंसिडर किया जाता है ना कि प्लांट्स। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे सिंपल और सबसे पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे। सबसे पहले अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए गए थे तो बैक्टीरिया थे। इनका एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए हर चीज़ सेल से बनी होती है और सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तो इनका न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर नहीं होता। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कर्ड में पाया जाता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो कर्ड बनाने में हमारे काम आता है। और क्लोस्ट्रीडियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग करता है। तो इस तरह देखिए एक बैक्टीरिया हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, लैक्टोबैसिलस, और वही एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम जो हमारे फूड पॉइजनिंग करता है वो हमारे लिए कितना डेंजरस है। इस तरह इसलिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड और फो यानी दोस्त और दुश्मन दोनों कहा गया है। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया बने देख लेते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरस, क्लोस्ट्रीडियम पेरिफेरस, स्पाइरिलियम, ये तीन टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं और ये एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं और ये प्रोटिस्टा नाम के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एनिमल्स का ये ग्रुप होता है प्रोटिस्टा, ये उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा नेम से ही सिमिलर पता लग रहा है हमें। इनमें क्या होता है, सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल इसका एंट अमीबा, जिसकी वजह से अमीबियासिस नाम की एक बीमारी भी होती है। और एंट अमीबा भी देखिए एक सिंगल सेल होता है। इसका पैरामीशियम भी बना है यहाँ पर और ट्रिप्सिनोसोमा ब्रिकी, ये तीनों एक प्रोटोजोआ है। यूग्लिना भी एक प्रोटोजोआ है। यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल भी होता है जो फोटोसिंथेसिस करती है। तो हमें याद रखेंगे प्रोटोजोआ में एक टाइप होती है यूग्लिना जो कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होती है। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे ज़्यादा कॉमन जो पाई जाती है वो है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लाइमिडोमोनस, स्पायरोगायरा या फिर वाटर सील की कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एल्गी के। स्पायरोगायरा ये है, क्लाइमिडोमोनस ये है, ब्लैडर रैक ये भी एक टाइप का एल्गी है। इसके बाद है वायरसेस। वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हम वायरस को नहीं देख सकते। जैसे आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोरोना वायरस है, तो इसे भी हम बिना माइक्रोस्कोप के तो स्टडी नहीं कर सकते। और ये जो वायरस होते हैं ये माइक्रोब से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, पर वायरस बहुत यूनिक होते हैं क्योंकि इन्हें ग्रो करने के लिए हमेशा लिविंग सेल की ज़रूरत होती है, प्लांट की, एनिमल की या फिर किसी बैक्टीरिया की। वायरस बिना किसी लिविंग चीज़ के ऊपर ग्रो नहीं, बिना किसी लिविंग के ग्रो नहीं कर सकते। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये सब। और कुछ वायरस के एग्जांपल हैं फ्लू वायरस, कोल्ड वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV जिसकी वजह से एड्स नाम की बीमारी होती है। तो ये सारे वायरस हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। और आज की डेट में सबसे पॉपुलर जो वायरस हो चुका है वो है कोरोना वायरस जो कोविड नाम की बीमारी करता है, डिजीज़ स्प्रेड करता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। अब हम समझे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। ये हमें माइक्रोस्कोप का पिक्चर दिया गया है। ये सबसे पहले ये है इसका आर्म। आर्म क्या करता है, यह हमें माइक्रोस्कोप को कैरी करने में हेल्प करता है। इसी पोर्शन से माइक्रोस्कोप को उठा के कैरी करते हैं। इसके अलावा ये स्टेज है विद क्लिप्स कि यहाँ पर हम अपनी स्लाइड्स को लग सकते हैं, ये हमारी स्लाइड्स को एक जगह टिकाने में हेल्प करता है ताकि हमारी स्लाइड्स हिले ना। इससे कोर्स एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू जो होता है ये लेंस को अप डाउन करने में ताकि हम स्पेसिमेन को, जो भी स्पेसिमेन हमने अपनी स्लाइड पर रखा है उसको ऑब्जर्व कर सके, उसमें हेल्प करता है।
नेक्स्ट है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये कोर्स स्क्रू के बाद यूज़ किया जाता है ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी से हम अपने स्पेसिमेन को देख पाएँ। नेक्स्ट ये है ईयर पीस। ईयर पीस टॉप ऑफ द माइक्रोस्कोप पे होता है और उसकी 10-15 टाइम्स मैग्निफिकेशन पावर होती है। मतलब अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना चाहते हैं, उसके पार्ट्स समझना चाहते हैं, तो हमें कम से कम इतना मैग्निफिकेशन पावर की ज़रूरत होगी। इसके बाद है मूविंग नोज पीस। मूविंग नोज पीस दो या इससे ज़्यादा लेंसेज को साथ रखता है और इसको ईजिली रोटेट कर सकते हैं ताकि हम मैग्निफिकेशन को जूम आउट या जूम इन बहुत ईजिली कर सकें। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं माइक्रोस्कोप का, क्योंकि ये लेंस जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा करीब होते हैं स्पेसिमेन के, सबसे ज़्यादा पास से देखने के लिए होते हैं स्पेसिमेन को। ये लास्ट में है बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, बॉटम ऑफ द माइक्रोस्कोप होता है, बेस होता है जिसमें माइक्रोस्कोप खड़ा हो पाता है। और ये है इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर क्या करता है, ये नीचे से लाइट सप्लाई करता है स्पेसिमेन को ताकि हमारा जो स्पेसिमेन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र है, और एक्सटर्नल लाइट सोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करने के काम आता है। ये था माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, इन्हें आप भरने के लिए ट्राई कर सकते हैं। से बेनिफिशियल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। जब भी हम माइक्रोब्स के बारे में सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि ये हमें तो बहुत चोट पहुँचाएंगे, ये तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, बट माइक्रोब्स हमेशा हार्मफुल नहीं होते और कहीं तो उनमें से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे हमारे लिए माइक्रोब्स किस तरह बेनिफिशियल होते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले उनका कमर्शियल यूज़। कमर्शियल मतलब सेलिंग या परचेज में उनका क्या यूज़ होता है। माइक्रोब्स का यूज़ होता है अल्कोहल, वाइन और विनेगर के प्रोडक्शन के लिए। इन तीनों के प्रोडक्शन के लिए हमें माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। यीस्ट भी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है अल्कोहल और वाइन के लिए। अल्कोहल और वाइन यीस्ट से बनाई जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक एप्पल है और हम उस एप्पल को काफ़ी लंबे टाइम के लिए सड़ने के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें यीस्ट पैदा होने लगता है और शुगरी जूसेस बन, क्योंकि एप्पल के अंदर तो शुगरी जूस है, उसके अंदर यीस्ट ग्रो करने लगेगा। जो यीस्ट है वो क्या करेगा, उस यीस्ट जो है उसके जूस के शुगर को, यानी एप्पल के शुगर को या फिर ग्रेप्स या फिर फ्रूट्स या बार्ली या राइस, इनके अंदर जितना भी शुगर प्रेजेंट है उसको टाइम के साथ कन्वर्ट करके अल्कोहल बना देगा। दिस इज हाउ अल्कोहल इज मेड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो यीस्ट का प्रोसेस है कि वो शुगर जूसेस के अंदर के शुगर को कन्वर्ट करके अल्कोहल बनाता है, इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज़। मेडिसिनल्स में कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स जो हमारी बनती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को से बनाई जाती हैं ताकि वो दूसरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को ख़त्म कर सके। मतलब एक डिजीज़ को एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है हमारी बॉडी में जाके। स्ट्रेप्सोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एथ्रोमाइसिन, ये कुछ कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं। आजकल एंटीबायोटिक्स फंगी और बैक्टीरिया से भी बनाई जा रही है जिनका क्योर क्योर करने में यूज़ होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स के अंदर भी। आजकल जो बनाई जा रही है एंटीबायोटिक्स वो फंगी से बनाई जाती है, जो प्लांट और एनिमल दोनों में यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी थी वो बहुत पुरानी स्टोरी है। 1928 में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जब वो बैक्टीरिया के साथ वर्क कर रहे थे तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ एरियाज इसके पेट्री डिश हैं। ठीक है, मतलब कुछ एरियाज इसके ऐसे हैं जिनके ऊपर ग्रीन मोल्ड बना हुआ है जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस मोल्ड को आइसोलेट किया, मतलब उसकी बॉडी से अलग किया और डिस्कवर किया कि ये तो बहुत सारे बैक्टीरिया को जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल उसको मार भी सकते हैं। इसी तरह उन्होंने पेनिसिलिन बनाई जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एवर मेड एंटीबायोटिक। ठीक है, जिसका आज भी वाइडली यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा बीमार करने के लिए पेनिसिलिन का। नेक्स्ट में लास्ट में क्वेश्चन दिया, हमें कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप्स इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में प्रेजेंट कौन से माइक्रोब्स होते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारी कुछ बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में रहते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं,
इंटेस्टाइन हमारे स्टमक के नीचे का पार्ट होती है, जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा फूड जो है स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, जब हमारा फूड अंदर आता है तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखते हैं, ताकि हमारे खाने के अंदर कोई भी गलत चीज़ हो तो उसका भी डाइजेस्ट करते हैं, उनको एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि हम कुछ भी गलत खा लें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ये बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कई बार क्या होता है हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर के गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं बैड बैक्टीरिया के साथ साथ, क्या हाँ, क्योंकि तो एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है, वो डिफरेंस नहीं कर सकती विच बैक्टीरिया इज़ गुड और विच बैक्टीरिया इज़ बैड, तो कई बार वो दोनों बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने डाइट में कर्ड शामिल करनी चाहिए। कर्ड होती है दही या प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स जिनमें ऑलरेडी गुड बैक्टीरियाज होते हैं। किसी भी एंटीबायोटिक कोर्स के बाद हमें अपनी हेल्थ अच्छे करने के लिए कर्ड या फिर ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए जिनमें ऑलरेडी गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो। इसके बाद है डोमेस्टिक यूज़ ऑफ माइक्रोब्स। देखिए, आपने घर में रायता या कर्ड तो यूज़ किया होगा, या फिर लस्सी पी होगी, या बटर मिल्क बनाया होगा समर्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं, दही लस्सी ये सब बनते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड, योगर्ट और चीज़ तीनों बनाने में यूज़ किया जाता है। हमें दूध से अगर कर्ड बनानी है तो हमें तो सारी रात बाहर छोड़ना होगा, और सारी रात बाहर छोड़ने पर उस पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो करेगा जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होगा मिल्क के अंदर, उसको कर्ड में टर्न कर देगा। ठीक है, ये सेम बैक्टीरिया जो होते हैं चीज़ और प्रोबायोटिक्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज गिवन एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इसमें जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ कैसे होती है ये देखेंगे। सबसे हम लेंगे ल्यूक वार्म मिल्क। ल्यूक वार्म मिल्क मतलब हल्का गर्म मिल्क। दो बाउल्स लेंगे, स्पून लेंगे और कुछ लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ल्यूक वार्म मिल्क को दोनों बाउल में रखेंगे। दोनों बाउल में हम टी स्पून ऑफ कर्ड, मतलब एक चम्मच कर्ड डालेंगे ल्यूक वार्म मिल्क के साथ, और उसे केवल ए दे देंगे। देखिए, मतलब कर्ड को बाउल ए में डालेंगे और उसको मिक्स कर देंगे, अदर बाउल को हम ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे। दोनों बाउल्स को हम ओवरनाइट क्लोथ में कवर करके छोड़ देंगे। आप नोटिस करेंगे जो मिल्क है बाउल ए में वो कर्ड बन गया होगा, क्योंकि माइक्रोब्स जो थे लैक्टोबैसिलस स्पूनफुल कर्ड हमने डाली थी, उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे लैक्टोबैसिलस वो डिवाइड होते गए होते गए होते गए और पूरे को हम उन्होंने कर्ड बना दिया। जो बाउल बी है आप देखेंगे वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर आप थोड़ी देर बाद एक या दो घंटे बाद ऑब्जर्व करेंगे तो आप यही देखेंगे बाउल बी में कुछ नहीं हुआ होगा और बाउल ए के अंदर वो कर्ड बन चुका होगा। कई बार सारी रात छोड़ने पर दूध बाहर वैसे भी कर्ड बन जाता है, वो इसलिए ऐसा है क्योंकि गर्मी के मौसम में ये बैक्टीरिया अपने आप भी ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये यूजली ऐसे मौसम में नहीं लिया गया, आप विंटर्स में करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोब्स एंड बेकरी। बेकरी के अंदर माइक्रोब्स का क्या यूज़ होता है, बेकरी के अंदर यीस्ट का यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। जब शुगर फ्लोर और वार्म वाटर को मिक्सिंग कर रहे होते हैं उसी टाइम हम थोड़े से यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यीस्ट क्या करता है, शुगर को फ्लोर को फूड की तरह ऑब्जॉर्व करता है, और जब ये अपने फूड को ब्रेक करता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे डफ में जो हमने आटा गूंदा है शुगर फ्लोर और वार्म वाटर का उसमें पहुँच जाती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमारा जो गूंदा हुआ आटा है वो थोड़ा फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है। जैसे आपने भी देखा होगा अगर आप घर पे भी नॉर्मल आटा गूंदते हो उसको थोड़ी देर ढक के बाहर छोड़ देते हो वो पहले से थोड़ा ज़्यादा फूला हुआ होता है, जो बबल्स होती है वो डफ को एक्सपेंड करने और राइज करने में हेल्प करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं। तो जैसे ही डफ स्टिकी हो जाता है तो वो बबल्स को ट्रैप कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर से तो गूंदा हुआ आटा है उसमें से तो एस्केप कर नहीं सकते। तो फिर क्या होता है, जब हम डफ को बेक करते हैं तो हीट की वजह से यीस्ट तो ख़त्म हो जाता है और हमें कैसा फील मिलता है, सॉफ्ट ब्रेड या फ्लफी सी ब्रेड और केक्स मिलते हैं। ठीक है, सैक्रोमाइसिस स्ट्रेन ऑफ फंगी दैट इज नोन एज अ बेकर्स यीस्ट। तो बेकर जो यीस्ट करते हैं उसका यूज़ करते हैं उसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस भी फंगी की एक स्ट्रेन होती है जिसे बेकरी में यूज़ किया जा सकता है, जो एक तरीके से बेकर्स यीस्ट होती है।
नेक्स्ट है डू यू नो, डू यू नो फर्मेंटेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फॉर यीस्ट। देखिए यीस्ट हमारे लिए एक प्रोसेस होता है शुगरी जूसेस का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, पर यीस्ट के लिए प्रोसेस क्या है? यीस्ट के लिए प्रोसेस उसका रेस्पिरेशन का है, क्योंकि वो तो रिस्पायर करने के लिए फूड अपना ले रही है, उससे एनर्जी जानती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये शुगर को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाती है। नेक्स्ट इफ इज गिवन इन एक्टिविटीज, एक्टिविटी के अंदर हम यीस्ट से ऑब्जर्व करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। देखिए हमने तीन टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब में हमने शुगर सॉल्यूशन, हमारे पास तीन टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है। हमने उन तीनों को टेस्ट ट्यूब रैक के ऊपर अरेंज कर लिया, और हम ध्यान देंगे कि तीनों टेस्ट ट्यूब कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए यूज़ करने से पहले। हमने टेस्ट ट्यूब की नेमिंग करी ए बी एंड सी, ठीक है। सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब ए में कुछ शुगर सॉल्यूशन डाला, टेस्ट ट्यूब बी में हमने प्लेन वाटर डाला, और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर भी हम, टेस्ट ट्यूब ए और बी में हमने शुगर सॉल्यूशन डाला और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर हमने प्लेन वाटर डाला। हम लिक्विड का जो टेस्ट ट्यूब का में लिक्विड जो हमने डाले उन सबका लेवल हम सेम रखेंगे। और इन तीनों के ऊपर हम तीन बबल लगाएंगे, तीन बलून्स लगाएंगे, ए बी और सी बलून, ठीक है। और उनको टाइट करेंगे रबड़ बैंड के थ्रू। अब हम क्या देखेंगे, जो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर बैलून है वो थोड़ी देर के अंदर इन्फ्लेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जब हम इस लाइम वाटर के अंदर इस गैस को पास करते हैं तो मिल्की हो जाती है। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, जब भी हम लाइम वाटर से किसी गैस को पास करेंगे और वो मिल्की हो जाता है, इसका मतलब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही थी, ठीक है। जो प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में हो रहा है वो फर्मेंटेशन है। टेस्ट ट्यूब अभी जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई यीस्ट नहीं डाला फर्मेंटेशन के लिए। और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर यीस्ट तो है बट फर्मेंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमने कोई शुगर सॉल्यूशन ऐड नहीं करा। इससे पता चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने टेस्ट ट्यूब और यीस्ट के लिए और फर्मेंटेशन के लिए हमें यीस्ट शुगर सॉल्यूशन दोनों की ज़रूरत है। जब इन दोनों का हम मिक्सचर करेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसके अलावा अदर कॉमन प्रोडक्ट्स, देखिए कुछ स्पेशल बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है विनेगर, कॉफ़ी, तंबाकू, इन सब को बनाने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स या स्पेशल बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। इवन टूथपेस्ट में भी कुछ बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है। माइक्रोब्स का रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में क्या यूज़ होता है? आपको पता, हमने पढ़ा था डीकम्पोजर्स के बारे में, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी किलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं छोटे छोटे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं देते। तो फंगी और बैक्टीरिया क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं नेचर, सेप्रोफाइटिक जो डेड और डिकिंग मैटर पर फीड करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है अपना ड्राइव डेड और डिकिंग मैटर से करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। अगर डेड बॉडी, अगर जंगल के अंदर डेड बॉडी, अगर उसमें माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे तो वो तो ऐसी रहेगी। तो ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं उसमें। और फंगी और बैक्टीरिया को डीकम्पोजर्स कहा जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली वर्क करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स और अदर एलिमेंट्स सॉइल में डालने के लिए। इसलिए ये होते हैं फार्मर के फ्रेंड। नेक्स्ट है वैक्सीन एंड माइक्रोब्स। अपने पेरेंट्स को बोलो आपको वैक्सीनेशन कार्ड दिखाए अपने चार्ट से, और सारे वैक्सीनेशन आप लिख कर देखो, तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारी बीमारियों के लिए हम वैक्सीनेशन लेते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का कुछ फाइटिंग सिस्टम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए काम करता है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट घुस जाता है जो नहीं आना चाहिए, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, ताकि उस फॉरेन एलिमेंट से फाइट कर सके। इसके लिए हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी बनाती है। वैक्सीन जो होती है वो भी इसी तरह बनाई जाती है, जो वीक या किल्ड जर्म्स होते हैं उनको डिजीज प्रिवेंट कराने वाला बनाकर उनको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वीक जर्म्स जब हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो हमारी बॉडीज जो होती हैं उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। उन वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर करके हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, ताकि जब भी रियल इन्फेक्शन हमें हो तो हमें ऑलरेडी वो प्रोडिफीट कर सके उन जर्म्स को। इसी तरह वैक्सीन काम करती है।
कुछ डिजीज़ जैसे पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल, नम्स, रुबेला, वेरिएला, इन्फ्लुएंजा, रोटा वायरस, येलो फीवर, ये सब वैक्सीन से ही कंट्रोल किए जाते हैं। माइक्रोब्स एज फूड्स, जो माइक्रोब्स होते हैं एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटीन में बहुत हाई होते हैं, इसलिए इनको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि क्लोरेला और स्पायरुलिना, ठीक है, ये दोनों एज अ फूड कंज्यूम करे जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, अब तक हमने बेनिफिट पढ़े माइक्रोब्स के, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स जो होते हैं ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं प्लांट्स में, जो डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रोब्स होते हैं इनको पैथोजन कहते हैं। डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रोब्स को हम कहते हैं पैथोजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स या प्लांट को चोट पहुंचाते हैं या डिजीज़ फैलाते हैं उनके अंदर, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, पैथोजन्स हर जगह होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर वो एयर के थ्रू आते हैं या फिर हम जो वाटर या फूड खाते हैं उसके थ्रू आते हैं। ठीक है, ये हम किसी टच इन्फेक्टेड पर्सन को टच कर लेते हैं, एनिमल को टच कर लेते हैं, तब भी हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो इस टाइप की डिजीज़ जो वन पर्सन से अदर पर्सन फैल सकते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन फैल सकते हैं, हम कम्युनिकेबल डिजीज़ चाहते हैं, जैसे कि कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, इसलिए इन टाइप के पर्सन को आइसोलेशन में रखा जाता है। अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है, वो स्नीज करेगा तो उसके स्नीजिंग से जो मॉइस्चर के ड्रॉप निकलेंगे वो उसमें बहुत सारे वायरस है जो पूरे हवा में फैल जाएंगे, और ये वायरस जो है किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डिजीज़ जो होती है वो वन पर्सन टू अनदर ही फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया ऑर्गेनिज्म होता है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, मलेरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो एक इन्फेक्टेड टू हेल्दी फीमेल तक कैरी किया जाता है थ्रू फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करती है, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को अगर बाइट करती है, उसके बाद अगर वो हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, तो वो इस मलेरिया को ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो जो ऑर्गेनिजम्स कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक ऑर्गेनिज्म तक फैला सकते हैं उनको हम कहते हैं कैरियर्स, और ऐसी एक कैरियर होती है हाउस फ्लाई, यानी घर में तो एनिमल के एक्सक्रीट पे बैठती है, तो इसलिए उनकी बॉडी में जो पैथोजन होते हैं वो उन जो उस डर्ट मटेरियल के अंदर पैथोजन्स होते हैं वो उनकी बॉडीज पर स्टिक कर जाते हैं। तो ये क्या करती हैं, जब ये अनकवर्ड फूड पर हमारे घर में बैठती हैं तो ये क्या करती हैं, ये उस गंदे पैथोजन को, जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन है, उसको हमारे फूड में लेकर आ जाती हैं। जैसे कि फीमेल लेडीज मॉस्किटो होती है वो डेंगू वायरस को कैरी करती है, तो हम जो डिजीज़ कॉजिंग कम्युनिकेबल डिजीज़ इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र को मीन्स को या कैरियर को सब क्लोज कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से फैलने से अपनी चीज़ों को ढक कर रख सकते हैं, अपने बॉडी के ऊपर हम स्प्रे लगा सकते हैं, एंटी मॉस्किटो स्प्रे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से किससे फैलती है, एयर या फिर कॉन्टैक्ट में आने से इन्फेक्टेड पर्सन के। पेशेंट को कम्प्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, जो पर्सनल बिलोंगिंग है पेशेंट की वो उसी के पास होनी चाहिए, लोगों के टच में नहीं होनी चाहिए। बेसिक हाइजीन उसको मेंटेन करनी चाहिए, उसको वैक्सीन सुटेबल एज पे वैक्सीन ज़रूर देना चाहिए। मीज़ल्स भी वायरस से फैलती है, चिकन पॉक्स भी वायरस से फैलती है, पोलियो भी वायरस से फैलती है, कॉलेरा बैक्टीरिया से फैलती है, और टाइफाइड भी बैक्टीरिया से। तो ये बैक्टीरिया होते क्या है, ये बैक्टीरिया होते हैं फूड या वाटर में। कॉलेरा इसलिए हमारे गंदे पानी से फैलने वाली डिजीज़ है, इसमें इंसान को पर्सनल हाइजीन मेंटेन चाहिए, गुड सैनिटरी हैबिट्स होनी चाहिए, बार बार हैंड वॉश करने की आदत, और फूड भी इसमें प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, और ड्रिंकिंग वाटर शुड बी गिवन, ड्रिंकिंग वाटर बॉयल्ड ड्रिंक करना चाहिए, और सुटेबल एज पे पॉसिबली अगर वैक्सीन हो तो हमें ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी है वायरस से फैलने वाला, वाटर एंड हाइजीनिक कंडीशन से फैलता है, इसमें भी हमें यही सब प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोन से फैलता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र होती है एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो
जहाँ पर भी इसने उसको लिया होता है वहाँ से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट कर देती है। और डेंगू वायरस, डेंगू एक वायरस होता है, ऐसे होता है जो वायरस को फैलाने का काम एडीज मॉस्किटो करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए, रिपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए ताकि हमें मॉस्किटो बाइट ना करे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हम मॉस्किटो को किल कर सकें। और मॉस्किटो को हम रोक सकते हैं, अपने आसपास वाटर ना इकट्ठा देने चाहिए, हमें ओपन वाटर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वैक्सीनेशन सूटेबल एज पर देनी चाहिए। देखिए एक डिजीज़ होती है सिट्रस कैंकर, ये डिजीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ये प्लांट डिजीज़ है। सिट्रस कैंकर डिजीज़ होती है बैक्टीरिया से, इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र एयर है, ठीक है। ये आइसोलेटेड अफेक्टिंग प्लांट्स, जो प्लांट्स इफेक्ट हो जाते हैं उन्हें आइसोलेट मतलब अकेला कर देना चाहिए। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, ये होती है फंगी की वजह से, ये वीट सीड्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अंदर भी हमें यही करना चाहिए, जो सीड्स अफेक्टेड हैं उनको आइसोलेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है भिंडी येलो वीन मोसेक, एक बीमारी होती है भिंडी येलो वीन मोसेक BYVM, ये भी वायरस से होती है, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसफर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं और इसमें भी हमें अफेक्टेड प्लांट को आइसोलेट यानी अकेला कर देना चाहिए और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए। टोमेटो विल्ट होता है बैक्टीरिया से, इसका मोड ऑफ ट्रांसफर है सॉयल, ये सॉयल से ट्रांसफ़र होता है और इसमें हमें अफेक्टेड प्लांट को रिमूव ही कर देना चाहिए, आइसोलेट नहीं करना चाहिए। देखिए ये है सिट्रल कैंकर नाम की बीमारी, ये है सिट्रस कैंकर की बीमारी, ये होती है बैक्टीरिया से, इसका भी मोड ऑफ ट्रांसफ़र एयर है। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट, ये वीट रस्ट है, ये है येलो वीन और ये है टमाटो स्टिल्ट। इस टाइप के प्लांट्स में जब आप डैमेज देखते हो तो वो सब भी बैक्टीरिया से पैथोजेंस की वजह से होते हैं। नेम द कॉजेटिव पैथोजन ऑफ द डिजीज, कुछ डिजीजेस दिए गए हैं हमें उसके लिए पैथोजन बताने कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसे कि हर ह्यूमन बींग को, हर प्लांट को, हर एनिमल को ज़रूरत होती है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन्स का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड का और विटामिन्स का, ये सारी चीज़ों में नाइट्रोजन पाई जाती है। और हमारे एटमॉस्फेयर में 78% ऑक्सीजन होता है, पर जो प्लांट और एनिमल हैं ये इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, जैसे कि हम भी इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने फूड में डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमें इसे अपने फूड में शामिल करना होगा। देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राइजोबियम जो होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स के साथ, जैसे कि पी सोयाबीन लेग्यूमिन प्लांट्स होते हैं जो दालों के प्लांट होते हैं जिनमें दालें पाई जाती है, जैसे कि पीज और सोयाबीन्स को भी हम दानों में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इनमें भी दाने 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 निकलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रहते हैं रूट नोड्यूल्स में, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट यानी कोई दाल वाला पौधा, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं राइजोबियम। तो ये क्या करते हैं ये नाइट्रोजन एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन है उसको लाकर उस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, मतलब नाइट्रोजन की एटमोसफेरिक नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं, इसलिए कहते हैं इन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेने का और वापस एटमॉस्फेयर में साइकिल ऐसे हम समझेंगे, सबसे पहले जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या फिर एल्गी, ये सॉइल के अंदर होते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, इसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट नहीं कन्वर्ट करेंगे। फिर ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जब कन्वर्ट हो जाएगी तो इसमें क्या होता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर और एनर्जी की ज़रूरत होती है। हीट इसके लिए हमें कुछ नेचुरल प्रोसेस पे हम डिपेंड करते हैं, जैसे कि वोल्केनिक एक्शन, या तो वोल्केनिक एक्शन होना या लाइटनिंग होना या फिर बिजली कड़कना। तो ह्यूमन इंटरेक्शन बाय कंबशन एंड जो ह्यूमन इंटरेक्शन है बट कम्बशन इंडक्शनल मीन्स कैन ऑल्सो कन्वर्ट एटमोसफेरिक नाइट्रोजन टू अदर मॉलिकल्स ऑफ नाइट्रोजन, और ह्यूमन भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस नाइट्रोजन को अदर मॉलिकल्स ऑफ नाइट्रोजन में, वो फैक्ट्रीज के अंदर या इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं।
वन जो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है सिर्फ वही प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी रूट्स के थ्रू। तो इसलिए नाइट्रोजन का कंपाउंड्स में या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स कंज्यूमर वेयर प्लांट्स हैं उनमें कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है प्लांट के प्रोटीन और कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में। तो एनिमल्स जो प्लांट पर फीड करते हैं वो उन्हें भी प्रोटीन मिलता है नाइट्रोजन कंपाउंड से। तो ये सबसे पहले कंपाउंड्स नाइट्रोजन सॉइल में थे, प्लांट्स ने लिए, एनिमल ने प्लांट को खाया, ठीक है। उसके बाद उसने जब वेस्ट प्रोडक्ट दिए अपने तो उसके अंदर वापस जो नाइट्रोजन थी वापस उसके वेस्ट प्रोडक्ट में चली गई, वहीं से ये वापस मिल जाती है सॉइल को। क्या उसके अलावा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया जैसा से पहले नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में टर्न करते हैं, मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन थे उसके कंपाउंड बनाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड। उसके बाद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइटनिंग होती है बिजली कड़कना, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रूट्स में होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करके दे देते हैं, या फिर क्या करते हैं नाइट्रोजन जो होता है कई बार एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर देते हैं। इस तरह हमेशा प्लांट हमेशा जो नाइट्रोजन है उसके रिस्टोर को पॉसिबल किया जाता है। तो नाइट्रोजन हम यूज़ भी करते हैं और हम वापस एटमॉस्फेयर को दे भी देते हैं, ठीक है। इस तरह क्या होता है जो टोटल चेन ऑफ नाइट्रोजन है ये मेंटेन करती है, ये नाइट्रोजन एयर में कभी ख़त्म नहीं होती, इससे वापस भी हमें नाइट्रोजन हमारे एयर को मिलती रहती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा जब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करेगा एनिमल, जब उसकी डेथ हो जाएगी या फिर नाइट्रोजन वेस्ट को प्रोड्यूस करेगा उसकी बॉडी से निकलेगा तो वो वापस एनवायरमेंट में मिल भी जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर कोई भी नाइट्रोजन यूज़ अप नहीं हो रहा, सो नाइट्रोजन वापस मिल भी रहा है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल बेनिफिशियल दोनों होते हैं ऐसा हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम अप्रिशिएट करेंगे कि देखो जैसे कि सैप्रोफाइट्स होते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में काम आते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो जो हमारा स्पॉइल्ड फूड अगर हम खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है। फूड पॉइजनिंग के कॉमन सिस्टम क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो क्या किया जाता है, खाने के अंदर कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है, सॉल्ट मिला दिया जाता है, ऑयल मिला दिया जाता है ताकि वो फूड स्पॉयलेज की प्रॉब्लम से बहुत पुराने टाइम से डील कर रहे हैं। पहले क्या होता था जब हमें फूड स्टोर करना था हमारे पास फ्रिज नहीं होते थे, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता था, बहुत ज़्यादा देर ओपन में नहीं रखा जाता था, कुछ भी जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लिया जाता था। पर अब हमें ज़रूरत है कि हम स्टोर भी कर सकें तो इसको हमें माइक्रो से बटाना पड़ेगा अगर कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं। इसीलिए सबसे हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकें। सबसे पहले प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, सॉल्ट के थ्रू प्रिजर्व करना। अगर बैक्टीरिया, वाटर बैक्टीरिया, माइक्रोब्स नहीं होंगे, ठीक है, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, ये इन सबको ग्रो नहीं करने देता। अगर वाटर नहीं होगा तो ये सब क्या है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट क्या करेगा, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है मीट, फिश, टैमरिंड, आमला, सबको प्रिजर्व करने के लिए। आपने देखा होगा अमल के आंवला के अंदर हम नमक डाल के छोड़ देते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे लंबे टाइम के लिए। मीट के ऊपर नमक की लेयर लगा दी जाती है, या फिर फिश के ऊपर भी जब अगर हम उसे यूज़ नहीं करते तो एक नमक की लेयर लगा देते हैं। टैमरिंड यानी इमली के ऊपर भी नमक के छिड़काव कर दिया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक सही रहे। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल, ठीक है। एडिबल ऑयल्स यानी खाने के लिए जो ऑयल हमें होते हैं वो हमें क्या करते हैं, वो हमें एयर सप्लाई करते हैं, वो एयर सप्लाई को कट कर देते हैं। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर ऑयलिंग कर देंगे तो उसकी एयर सप्लाई
एयर सप्लाई कट हो जाएगी, एयर उसके अंदर जा ही नहीं पाएगी फूड प्रोडक्ट के अंदर, तो उसे स्पॉइल भी नहीं कर जाएगी। और ये जो तरीका है बहुत पहले के टाइम से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पिकल अचार बनाने के अंदर हम इसी तरीके का यूज़ करते हैं, उसमें ऑयल भर देते हैं ताकि उसका एयर से कोई कॉन्टैक्ट ना रहे, इससे कोई भी चीज़ स्पॉइल नहीं होती। नेक्स्ट है केमिकल प्रिजर्वेटिव, जैसे कि कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, ये बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है जैम से स्क्वैशेस बनाने के लिए ताकि वो ख़राब ना हो लंबे टाइम तक, इसलिए इन दोनों में इनका यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के थ्रू भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि फ्रूट्स इन स्क्वैशेस, जैम्स एंड जेलीज, ये सब भी जो होते हैं स्क्वैशेस के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं, जेलीज और जैम्स के अंदर जो फ्रूट होते हैं, शुगर होती है, ये सब फ्रूट होते हैं वो शुगर से प्रिजर्व रहते हैं। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट के अमाउंट को यानी नमी को खाने में से कम कर देता है और जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ है उसको रोक देता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय विनेगर, विनेगर भी यही करता है, हमारे फूड को स्पॉइल होने से बचाता है, तो विनेगर वाले एनवायरनमेंट के अंदर तो बैक्टीरिया बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, ये सब इसी मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट है किलिंग माइक्रोब्स बाय हीट और कोल्ड, बैक्टीरिया इवन दाव और समवट अरप्टेड, देखिए अगर हमें माइक्रोब्स को किल करना है तो उसके लिए हम उस हीट या कोल्ड टेक्निक का भी यूज़ करते जाते हैं, जैसे कि हम मिल्क बाहर से लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसे बॉईल करते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी अगर माइक्रोब्स हो तो ख़त्म हो जाए, उसके टेम्परेचर देते हैं ताकि वो जो उसके अंदर अगर वो नॉर्मल या ठंडा या नॉर्मल हो जाता है वापस उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो ना हो जाए, तो इसलिए हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। हम जितने भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेकर आते हैं बाहर से उन्हें भी हम फ्रिज में रखते हैं धो के, ताकि वो उनके अंदर भी कोई ना कोई माइक्रोब्स डेवलप ना हो। नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन, तो आपने पेस्चराइज मिल्क का नाम तो सुना ही होगा, कई बार ये मिल्क के पैकेट पर लिखा है, तो पेस्चराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिनके अंदर माइक्रो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं फूड के बेवरेजेस के अंदर, इनको हीट से डिस्ट्रॉय किया जाता है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुईस पेस्चर, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया, उन्होंने 1800 में डेमोन्स्ट्रेट किया था कि अगर अल्कोहल का फर्मेंटेशन उसको हम हीट करके रोक सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर भी यीस्ट बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, अगर हम उसे हीट कर देंगे तो उसके अंदर से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उसका फर्मेंटेशन होना बंद हो जाएगा।